हेलो, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चे? मेरा नाम है विशेष पाल और मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ पोएट्स बायो डेली पर आप लोगों के लिए लेकर एक सुपर अमेजिंग सेशन। अरे सर, क्या होने वाला है सुपर अमेजिंग सेशन, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। तो यार, ये सेशन सुपर अमेजिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको उस किताब से पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपने उस किताब को ढंग से पढ़ लिया तो आपके बायो में आने वाले कितने 340 प्लस मार्क्स इन नीट बायोलॉजी। सर ऐसा कैसे हो सकता है 340 मार्क्स? मतलब सर ये तो ऐसे तो कोई गारंटी नहीं लेता, बट नाउ आई एम टेकिंग दी गारंटी। मैं यहाँ पर गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप साथ में पढ़ेंगे, जैसा कहूँगा वैसा करेंगे, बस उस एक किताब को ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है नीट बायो में। बायो के एग्जाम में 360 में से आप 340 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सर बता दो ना कौन सी किताब है। अरे भाई, कोई अलग से किताब नहीं है, वो किताब आपकी है एनसीईआरटी बायोलॉजी की क्लास 11th और क्लास 12th। बट फॉर अ स्टार्ट मैं आपके लिए शुरू करूंगा कहाँ से, क्लास 11th से। ठीक है, तो ये हमारे पास किताब है। अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो आप इस किताब को जरूर ले लें। ये मेरी बहुत ही पुरानी किताब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरी खुद ही किताब है। इसमें ये चैप्टर 1 से स्टार्ट हो रही है, इसके ऊपर के जो पेजेस थे सारे गायब हो चुके हैं और आखिरी जो पेजेस में ये वाला है, इफ यू कैन सी। इसमें केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर नहीं है, कोऑर्डिनेशन वाला। ठीक है ना, 21 चैप्टर है इसमें, 22 नहीं है। पर आप लोगों के पास तो किताब नहीं होगी ना। ठीक है, तो नई किताब को लेकर आए, नई किताब से पढ़ें। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी में से पढ़ना चाहते हैं तो आप पोएट्स बायो डेली पर पढ़ने के लिए आ सकते हैं। रोज पढ़ाऊंगा मैं आपको एक टॉपिक, कब से? 5 तारीख से। ठीक है, तो 5 जुलाई से रेगुलर रहें मेरे साथ, पढ़ते रहें। कौन कौन सी किताबें लेनी है, कैसे प्रैक्टिस होगी, कैसे क्या होगा, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ आपको एक बुक, ये वाली अगर आप ले सकते हैं तो जरूर ले लें। ये एमटीजी की है, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स। ठीक है, ये किताब जो है, ये बेसिस जो है हमारे पास, बेसिक्स जो है उसको क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आप इस किताब को मेरे साथ पढ़ने आएंगे तो जरूर आप इसको लेकर आइए। ठीक है, और इसमें 11, 12 दोनों हैं। ठीक है, तो अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी मेरे ख्याल से आपकी 150-200 रुपए की आ जाती है। ठीक है, तो आप 11th की एनसीईआरटी ले लें, एक ये किताब ले लें, इसको ऑनलाइन मंगा लें, इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा होगा अगर आप लेना चाहते हैं तो। ठीक है ना, देर इज नो कंपल्शन। ठीक है ना, मैं आपको ये किताब इसलिए बोल रहा हूँ लेने के लिए क्योंकि जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो टॉपिक से जो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए वो इस बुक से होंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी को पक्का करने के लिए वाली किताब है। साथ ही एक किताब और आपको लेनी पड़ेगी जो आपको बताएगी कि क्या बताएगी, ये बताएगी कि भैया पिछले इतने सालों में जब भी नीट का पेपर हुआ है, ऑल इंडिया पीएमटी एग्जाम हुआ है, एआईपीएमटी हुआ है, तो उसमें क्वेश्चंस कैसे आए। तो उसको समझने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम इस बुक से। ठीक है, ये एक किताब है, इसमें हर चैप्टर के जितने भी चैप्टर वाइज है, ये बुक मैं बता दूं आपको चैप्टर वाइज है। ये मेरे ख्याल से कौन सी पब्लिकेशन है, अरियन पब्लिकेशन है। मैं स्पॉन्सरशिप किसी नहीं ले रहा हूँ, वो एमटीजी की थी, अरियन की है। ठीक है भैया, किसी से पैसे वैसे लेकर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। ये बुक आप लोगों की सही रहेगी। ठीक है ना, ज्यादा महंगी नहीं है बुक मेरे ख्याल से, ये आपको 200-250 रुपए में किताब मिल जानी चाहिए, ये वाली भी। तो आप इस किताब को ले लें। ठीक है, इससे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि जितने साल से, 30 साल से 27-28 साल से जब से नीट होता आ रहा है तो तब से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और हमें किस एंगल को लेकर पढ़ाई करनी है। तो ये किताब तो 3 मस्ट है, ये तो आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन सी बताई मैंने आपको, बताई एनसीईआरटी नंबर 1, एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th के लिए। दूसरी बताई आपको मैंने एमटीजी, एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स, 11th 12th एक कंबाइन किताब है। और तीसरी बताई मैंने आपको बायोलॉजी नीट फॉर 32 ईयर्स, 30 साल 32 साल वाली जो भी मिले आप उसको उठा लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 किताबें तो मस्ट हैं। साथ ही साथ जब आप मेरे से पढ़ने के लिए आएंगे तो कुछ और क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा जो थोड़े से एनसीईआरटी के बाहर के होते हैं, थोड़े से प्लस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, बट वो ज्यादातर क्या रहेंगे, वो क्वेश्चंस रहेंगे जो कभी ना कभी स्टेट पीएमटी से पूछे जा चुके हैं, जैसे यूपी पीएमटी, सीपीएमटी जो कहते हैं, हिमाचल में पूछा गया, उत्तराखंड में पूछा गया, ठीक है ना, जितने भी बिहार में पूछा गया, वेस्ट बंगाल में पूछा गया। तो जो स्टेट पीएमटीज होते हैं, स्टेट पीएमटीज में कैसे क्वेश्चंस आते थे हमारे पास और क्या अभी नीट उन सवाल को दे सकता है, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए ये एक हमारे पास किताब होती है, चैंपियन बुक होती है, नीट चैंपियन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस किताब से भी आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा, बट आपको इस बुक को लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस वो 3 किताब ले लीजिए। इस किताब से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ या इन द फॉर्म ऑफ
क्या कहते हैं ड्राइव पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आपको लिंक दिया करूंगा मैं, वो लिंक आप सीधा जाइए उस लिंक को खोलिए, उसमें से इसके सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं पढ़ने के लिए, क्या आप सच में पढ़ना चाहते हैं, क्या आपको नीड है कि यार कोई ऐसा भी टीचर हो जो हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाए, कैसा लग रहा है आपको? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट करें सेक्शन में, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि ये सर हम पढ़ना चाहते हैं और कैसे पढ़ना चाहते हैं, मुझे ये भी बताओ। क्योंकि यार देखो पिछले लगभग 5-6 महीने से तो मैं नहीं पढ़ाया मैंने किसी को, ठीक है ना, मतलब ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, उससे पहले पढ़ा रहा था तो मैं पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा था, आप लोगों ने मुझे देखा होगा, ठीक है ना, मैं एक चैनल से पढ़ा रहा था, नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, ठीक है। और उससे पहले मैं बोर्ड में पढ़ा रहा था, आप लोग देखते हो ना, तो बोर्ड मेरे ख्याल सबसे बेटर होता है, ठीक है, जिसमें मेरे हाथ में मार्कर होता है, मेरे पीछे एक वाइट बोर्ड होता है और मैं वाइट बोर्ड पर मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो यार शुरू से ऐसे ही पढ़ाए, ठीक है ना, 10-12 साल हो गए हैं ऐसे पढ़ाते हुए, आगे भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। तो बस आप तैयार रहें, अपने पास एक नोटबुक खरीद लें, एक दो पेन खरीद लें, ठीक है ना, एक ब्लैक और एक ब्लू, और ये 3 किताब लेकर आ जाएं, ठीक है ना। मेरी गारंटी है आई विल मेक श्योर दैट यू विल बी स्कोरिंग 340+ इन नीट बायोलॉजी, ठीक है। कमेंट जरूर करें, आप एक कमेंट से मुझे बताएंगे कि सर ये आपको कितनी ज़रूरत है पढ़ने की, ठीक है, और मैं तो आपको पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, इसको आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें कि भाई अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो आ जाओ। विशेष सर वापस आ चुके हैं फुल पेज में पढ़ाने के लिए बायोलॉजी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।